किसानों की लड़ाई अब चुनावी वादा खिलाफी पर क्यों आई? अमृतसर ईस्ट सीट पर हिंदू क्यों बने चुनावी केंद्र बिंदु? उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में आर पार और गोवा में केजरीवाल का दिल्ली मॉडल कितना असरदार? इलेक्शन से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 राज्याभिषेक। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर काम नहीं हुआ, यूपी चुनाव में इससे बीजेपी का नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि किसान संगठन चुनाव में डेंट जरूर करेंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से सीएम योगी की तीखी भाषा की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि सीएम योगी लगातार हमारी लीडरशिप को गुंडा माफिया बता रहे हैं। चिट्ठी में गर्मी शांति करने और बुलडोजर वाले बयान का भी जिक्र है। पंजाब में सीएम फेस को लेकर सुनील जाखड़ा ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही पंजाब में कांग्रेस का चेहरा बनाना पार्टी के हित में है। उन्होंने कहा है कि चन्नी को बतौर सीएम एक और मौका मिलना चाहिए। जाखड़ के मुताबिक चन्नी के काम से पंजाब के लोग खुश हैं। अमृतसर में मजीठिया ने कहा है कि 42 वोट पड़े फिर भी जाखड़ सीएम नहीं बन पाए। गुरु और पीरों की धरती पर जाखड़ को खारिज करना हिंदुओं का अपमान है। तो दूसरी तरफ सिद्धू ने जम्मू में माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि माँ वैष्णो की कृपा उन पर हमेशा रहती है। मोहाली में भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में 44 साल से लोग कांग्रेस और अकाली दल को मौका देते देते थक गए हैं। अब पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान के मुताबिक वो पंजाब में दिल्ली मॉडल पर काम करेंगे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने पाकिस्तान के बहाने एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू को घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या हुई पर सिद्धू मौन है। चुग ने पूछा कि सिद्धू बताएं कि इमरान सरकार में कट्टरपंथी हिंदू और सिखों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लालठांग में सीएम पुष्कर धामी ने अब की बार 60 पार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दे तलाश रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस तेज विकास पर है। धामी ने कांग्रेस को काले कारनामे वाली पार्टी बताया। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि नया भू कानून जन भावना के अनुरूप तैयार होगा। इस कानून के तहत गरीबों की छीनी हुई जमीन उन्हें वापस दिलाई जाएगी। हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक्शन डॉक्यूमेंट के रूप में लेंगे। करप्शन से तंग आ चुके अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गोवा की मौजूदा सरकार घोटालों में उलझी है तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को ईमानदार विकल्प बताया। इस बीच केजरीवाल ने नए स्कूल और अस्पतालों के अलावा 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।